अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उसामा नुशाही व्लॉग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गखड़ मंडी। गखड़ मंडी गुजरांवाला शहर का एक बहुत ही मशहूर कस्बा है और काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वज़ीराबाद और गुजरांवाला के बिल्कुल दरमियान में आता है और इस लिहाज से काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे तजारत के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कारोबार भी करते हैं। तो आज हम आपको गखड़ मंडी का विज़िट करवाएंगे, साथ साथ मैं आपको गखड़ मंडी की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि इसका नाम गखड़ मंडी क्यों पड़ा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये कस्बा इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि ये मेन जीटी रोड पे वाकई है और अब ये तकरीबन पूरा शहर बन चुका हुआ है। यहाँ से गखड़ मंडी का बाकायदा से आगाज़ हो जाता है। इसे गखड़ का भी नाम दिया जा सकता है, इसे आप गखड़ मंडी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मंडी भी लगती है। इसके करीबी देहात में कोट वारस, राहवाली, आदलगढ़, नतकलां, कोटली साइयाँ, बद्दों की, नूरा कोट, पीर कोट, बैंका चीमा, फतेहगढ़ और इब्ने वाली कलां शामिल हैं। काफ़ी ज़्यादा गांव हैं जो इसके साथ लिंक होते हैं क्योंकि ये मेन जीटी रोड पे मौजूद है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है। इसकी मकामी ज़बान जो है वो पंजाबी है, लेकिन यहाँ पे जो दफातर हैं वो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लड़कों के दो हाई स्कूल हैं, जिनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 जिसे नॉर्मल स्कूल भी कहते हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 जिसका पुराना नाम डीसी स्कूल है। यहाँ पर लड़कियों का एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ इंटरमीडिएट क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्राइवेट स्कूल भी मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक कैंपस की बुनियाद भी यहाँ पे रख दी गई है, जो कि कॉलेज ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स की बिल्डिंग में रखी गई है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स और मास्टर्स की क्लासेस भी होती हैं। गखड़ मंडी पंजाब में चावल की बड़ी मार्केट है और इस कस्बे की मशहूर सनत दरी साजी है। यहाँ पे चावल की बेहतरीन किस्म मिल सकती है और दरियों की बेहतरीन इकसाम यहाँ से आपको आसानी से मिल सकती हैं। दोस्तों, गखड़ के देहाती इलाके कई किस्म की ज़री अजनास पैदा करते हैं। गखड़ की मशहूर सनत दरी साजी है। यहाँ पर मुल्क का एक बड़ा ग्रिड स्टेशन मौजूद है जो पंजाब के बड़े शहरों को बिजली सप्लाई करता है। इस वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वक़्त के साथ साथ गखड़ मंडी सनती शहर बनता जा रहा है। इसकी दीगर सनतों में संगे मरमर, मकई, बर्तन, सिरेमिक्स
और फर्नीचर शामिल हैं। तो दोस्तों ये वो ग्रिड स्टेशन है जो कि तमाम शहरों को बिजली सप्लाई करता है। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कितना बड़ा गखड़ शहर है और यहाँ की आबादी कितनी ज़्यादा है और सनती लिहाज से इसका क्या मुकाम है। तो दोस्तों आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं ये वो बिजली घर है, ग्रिड स्टेशन है जो कि मुख्तलिफ़ शहरों को जो है वो बिजली सप्लाई करता है। तो गखड़ इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि गखड़ एक कबीले के नाम गखड़ से लिया गया है। जो लफ्ज़ गखड़ है वो एक कबीला था गखड़, वहाँ से लिया गया है, जो इस शहर के आबाओ अजदाद भी हैं। ये कबीला दरिया जेलम के शुमाली किनारे रहता था। ये इलाका सता मुर्तफा पठार भी कहलाता था। ये कबीला बहुत ज़्यादा जंगजू था और जंगजुई के लिए मशहूर था। तो दोस्तों गखड़ कबीले वैशी कबीले थे जिन्होंने माजी में बहुत ज़्यादा जंगजुओं के साथ जंगें लड़ी हैं, जिनमें शेरशाह सूरी भी शामिल है। इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ जंग लड़ी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शेरशाह सूरी ने गखड़ को हराने के लिए एक किला भी तामीर करवाया था जिसे रोहतास किला कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको गखड़ के बारे में तमाम मालूमात मिल गई होंगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको गखड़ के बारे में और चीज़ें पता हैं तो आप कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उम्मीद है आपको जो है वो आज की वीडियो, ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, फनी वीडियोस और इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा आपका और हम सबका अल्लाह निगेबान।